केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर के पार्ट में अब उतरते चातुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है, हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है धारा में। एकाएक ही मन में आया कि संध्याकाल के सूर्य देवता को नमस्कार करें, किंतु जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य कुछ धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दे गया। ध्यान देने पर देखा, उत्तर की ओर जो शूद्रों का श्मशान है बौणसी, वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर छिदिर मिदिर बादलों का सा गुच्छा बनाता सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। केवल पांडे के घुटने पानी के अंदर ही आपस में टकरा गए और अंजलि में भरा जल ढीली पड़ी उंगलियों में से रीत कर नदी में ही विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक आशंका तेजी से उठी, बेचारा किशनराम ही तो नहीं मर गया? किशनराम की स्मृति में होते ही घुटने पुनः नदी के जल प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंक केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं बल्कि हलिया किशनराम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुयाल नदी के जल से अधिक अपने ही में डूबे रह गए। किशनराम के मरे होने का अनुमान जाने कैसे अपना पूरा वितान गढ़ता गया। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में चंदन तिलक और रक्त में घुलासा जातीय संस्कार, बार बार अनुभव हो रहा था कि ऊपर श्मशान से अछूत के शव की अस्थि मज्जा को बहाकर लाती सुयाल नदी का जल पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए और वही अचानक पांवों से टकरा जाए, नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लिपर की तरह घूमते और बहते जाते शव उन्होंने कई बार देखे हैं, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुयाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो जाता है। अब सूर्यास्त के आसपास के समय ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों की छायाएं पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही थी। दूर हलानों पर गायबक्रियों के झुंड चढ़ते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर यूं ही दूर तक देखते, आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने की जगह केवल पांडे तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा आगे की ओर का पानी चीर सकने की क्षमता घुटनों में रह नहीं गई। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करते में न जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशनराम की याद आई थी कि उन्हें लगा था वो नदी के पाट को अपने पांवों से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशनराम हल की फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक उभर आया है कि जरूर किशनराम ही मर गया होगा और उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता जल रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग जला रखी हो। केवल पांडे का मन हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखें। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशनराम उनके समीप आ जाता था, सुरती फाकते उसके मैंगले चीकट कपड़ों से भी ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम पड़ती जैसी सुरती की गांठ तोड़ते में फैलती है। कहीं ऐसा न हो पानी से भी वैसी ही गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब सी कल्पना पर केवल पांडे को हंसी आने को हुई मगर आई नहीं। किशनराम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वही पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार दीचित्ता करती चल रही है। उसकी मृत्यु की आशंका से यों एकाएक जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है ऐसा उन्हें लगा और अब वो नदी पार करने की जगह बिनसर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगे। श्मशान लगभग एक फरलांग दूर था वहाँ से। खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी सुयाल भी अब उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह पलटती सी मालूम पड़ती है और तब किनारे किनारे कुछ फासला रखकर चलते रहिए
तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी बीच किशनराम का शव अज्जला ही बहा दिया गया हो, तो वह भी उत्तर की ओर वापस लौटने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया, तो लगा कहीं ऐसा न हो शव यहाँ तक बह आया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हो। एक बार गहराई तक उस ताल में झांक कर केवल पांडे और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंका का समाधान हो जाए तो मन को विभ्रांति से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल लिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सुयाल कभी देखी हो किसी ने तो वह जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी होती है तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है। लेकिन चूंकि अभी चातुर्मास को बीते कुछ अधिक समय नहीं बीता होता है इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पांव टिक नहीं सकते। और देखिए कि जैसे पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती हैं, कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी और फिर चांदी का दूसरा रुपया, लगभग वैसा ही अंतराल सुयाल नदी में है। उद्गम से कुछ दूरी तक नदी की सी आकृति, फिर पहला ताल, इसके बाद फिर कुछ दूर तक वही प्रकृति के गले में की डोरी और फिर दूसरा ताल और यही सिलसिला जब तक कि कोसी में समाहित न हो जाए। केवल पांडे की जजमानी का भी कुछ ऐसा सिलसिला है कि कहां जाए कि लगभग जहां तक सुयाल जाती है किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगे तो असेला और पपड़ुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना और छोटी छोटी चिल्लों का पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटुक करके सतह से भी एकाद बालिश्त ऊपर उछलकर फिर पानी में गिरते हुए वृत्त पर वृत्त बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रत बंध न हुआ था कभी कभी ताल में किशनराम के साथ मछलियां मारते अन्य शूद्र हमउम्र के साथ स्वयं भी कूद पड़ते थे। घर में कोई मछली खाता नहीं था लेकिन मैण लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था रामबाण के पत्ते कूट कर पानी में डाल दिए गए हैं। मेड़ बंधे पानी में साबुन का सा झाग उतर आया है और अर्धमूर्छित सी मछलियां सतह पर चक्कर काट रही हैं और हथेलियां फैलाने पर ही पकड़ में आ जाती हैं। केवलानंद पांडे और किशनराम की उम्र में विशेष फर्क नहीं, शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशनराम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लग गया। 65वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त ललाट में का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता है, मगर किशनराम की कमर झुक गई। बचपन से ही किशनराम को देखा एक ही अरण्य में के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ने की तरह। किशनराम के पिता की 3 पत्नियां थी और बहुत बड़ा परिवार, खाने पहनने को पूरा पड़ता नहीं था। दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात कंधों पर लदा रहता। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने किशनराम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेग को उसके चेहरे या उसकी आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा हल या हथौड़ हंसिए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था गांव में गुजार कर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहाँ से अपनी वागदत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर ही लौट आए। सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी और उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था। पठन पाठन का वृत्त पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला था किशनराम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गई और वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था मगर किशनराम सिर्फ किसानी या ओढ़गिरी जानता था। गर्म लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा बैठा, हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया।
वहां से पत्नी को लिए दिए ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को तो रोक लिया, उसे अकेला विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहा था किशनराम ने कि गुसाई जीव, उन डोमों ने मेरी घरवाली को रोक लिया, यह नहीं कि अपनी बेटी को। मामा के यहाँ कुट गए दाएं हाथ की तीन उंगलियां, धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गई। शेष दो में सोंटा और बाएं हाथ से हल्की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाक लगाते किशनराम की आवाज पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी। और जब रास्ते में कुछ देर किशनराम के पास रुककर उसका सुख दुख पूछ लिया कि आशीर्वाद, किशनराम कैसे हो, ठीक ठाक, तो लगा कि जैसे अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती में दबाए था किशनराम। अवसर पाते ही प्रकट होता चला गया। अपना व्यतीत बताते में जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थी, लगता था कहीं बहुत गहरे दबा विषाद घाटी में के कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों में आर्द्रता थी, जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशनराम को रोते देखने का यह पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दीन मुस्कराहट ही देखी थी उन्होंने। कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीनों से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती हो कि क्या यह अपनी त्वचा में से आंसू बहाता होगा, और पांडे जी को तब भी तो विचित्र सी कल्पना हो आती थी कभी कभी कि किशनराम कहीं अभिशप्त इंद्र तो नहीं कि इसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आए। पसीना वह पोंछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता था गालों पर से निथरते आंसू पोंछ रहा हो। ऐसे में एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में कैसा खारा खारा पंसा उमसने लगता था। लेकिन तब तक यह सुरती की गांठ तोड़ते में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूटकर नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी किशनराम उनके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस लोहे को गर्म करके परिस्थितियों की चोटों से पीट पीट कर अपने अनुकूल बना लिया है। खेत जोतते, पेड़ काटकर गिंडे बनाते, हल जोतते या पत्थर तोड़ते में वह अपनी संपूर्ण ऐन्द्रिकता में उभरता हुआ सा अंतः जैसे प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को यह अनोखा दृश्य बार बार याद आता है जब 14 वर्षों की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशनराम दुर्गुन के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी थिगनी सावली लड़की गाढ़े रंग का घाघरा और गुलाबी रंग का पिछौड़ा पहने बड़े इत्मीनान से बीड़ी पीते पीते उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। किशनराम ने महाराज कहकर जमीन में मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया था तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में ही घिस लिया था और फिर रो पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी। किशनराम भी हंस पड़ा। गुसाई, हमारी कौम में तो सारे कर्मकांड बचपन में ही सीख लेती है छोरिया, और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर घर गृहस्थी की बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशनराम का कंठ तब भी कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए किन्हीं सयानों की बात को गांठ बांधे हुए हैं। भोलेनिश्चल स्वभाव किशनराम के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी और एक झलक किशनराम की घरवाली की उन्होंने भी देख ली थी एक हमउम्र की सी जिज्ञासा में। धीरे से कहा था, अरे यार किशनराम, अभी तो खुद मैंने ही कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा है, पिताजी संस्कृत पढ़ने काशी भेजने वाले हैं। 10-12 वर्ष बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुझे बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वो दोनों एक साथ, जैसे कि अरण्य में के फूल हों। किशनराम की घरवाली के सिर पर निंगाले की डलिया थी,
पीले पिछौड़े के छोर से ढकी हुई दुर्गुन गौने की पूरियां रही होंगी उसमें, और आलू के गुटके या गंडेरी का साग। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटे थे कुछ दिनों को, तो किशनराम से पूछा था उन्होंने कि किशन कोई संतान हुई या नहीं, और किशनराम के उत्तर से उन्हें लगा था जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशनराम की दुखांत गाथा से मन भर आया। उन्होंने अनुभव किया इस बार किशनराम की घरवाली ने अज्जली बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशनराम के कलेजे के साथ घिसकर बुझा दिया है, और किशनराम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली कहीं अदृश्यमान तौर पर उपस्थित सी खिलखिला रही है। बचपन बीतते न बीतते ही शादी हो गई थी किशनराम की, पूरी तरह सयाना होने होने तक में ही संबंध टूट भी गया। उन दिनों किशनराम अकेला ही रहता था। अनेकों के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी ने किशनराम को ही अपना हलिया रख लिया था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की माँ ने किशनराम से कहा था, किशनराम पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई जैसी भुर्र उड़ गई, अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है? अरे तू ब्याह कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज्यादा संभलती, बिना जोड़ी को बैल तक नहीं खिलता रे, तू तो हलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशनराम भलीभांति जानता था एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गुसाइयों के खेत में, तिस पर उसका तो दाया हाथ भी पूरा नहीं लगता है, लेकिन भवानी शेष जीवन में उसके पुनरागमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना में ही हो सकती थी। तब आखिर उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार लिया था और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को हलिया रख लेने को कहते खते हुए रो पड़ा था, बौराण जीव मैं अभागा तो हाथ से झड़ी लोथ ही नहीं लौटा पाया, कलेजे से झड़ चुकी कैसे लौटाऊं? और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई थी कि सयानी औरत का मन भी कैसा कोमल होता है, माँ का जैसा। खुद कुसमावती बहुरानी ने ही अपने हाथों से किशनराम के आंसू पोंछ दिए थे। श्राहमणि वह भी पुरोहित घराने की और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे, लेकिन भैरव पांडे जी ने ही क्या कहा था कि यह अशुद्ध होना नहीं शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर गीली हो आई थी, बोली थी, दुख सभी को एक होती है, केवल मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पावों के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला किशनराम, बौराण जीव पारसमणि ने लोहे का तसला छू दिया है, मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया, जन्मा शुद्र है मगर बड़ा मोह बड़ा वैराग्य है किसनिया में, भवानी ने तो अपना नाम गारत कर दिया, इस भोला भंडारी को उजाड़ कर गई। पांडे जी अनुभव करते रहे थे कि कहीं भवानी के प्रति किशनराम में अति मोह था और इसलिए ही है इतना विराग। उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशनराम अपने कपड़े भी धोता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता, खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थी, और किशनराम विनम्रता पूर्वक केवल पांडे की बहू से कह देता, बौराण जीव रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने से निबटकर किशनराम सुयात के किनारे कपड़े धो रहा था, सिर्फ लंगोटी पहने कमर से नीचे पानी और ऊपर धूप में जाने किस ध्यान में टखनों तक पानी में डूबे बगुले की तरह खड़ा था। लंगोटी पानी की पारदर्शित और हवा की हिलोर में अपनी धुरी पर से उड़ान भरती मालूम पड़ती थी। शेष कपड़े सूखने डाल रखे थे तभी यजमानी से लौटते पांडे जी आए। उनके नदी पार करते समय वह जल्दी जल्दी पानी से अलग हट गया था कि उसके पांवों को छुआ जल उन्हें न लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी थी और कहा था, किशन अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो
तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने से मुक्ति मिलती। और तू मैं तो साथ मछलियां पकड़ते थे, अब तू यो नदी छोड़ के अलग क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत मैं नहीं मानता रे। किशनराम के हाथ जुड़ आए थे और ओंठोड़ पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बड़ी बौराणजीव की सोने की छड़ी जैसी उंगलियों का स्पर्श पा लिया आँखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई, इतना ही बहुत, नहीं तो कहाँ अपवित्र कहाँ पवित्र। यों ही वर्षों बीतते गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे, फिर कुसमावती बहू भी। धीरे धीरे किशनराम की कमर भी झुकने लगी, मगर हल उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वह हल नहीं छोड़े, तब तक हलिया ने बदला जाए। केवल पांडे निर्णय कर चुके थे, जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते, मगर किशनराम को कोई नहीं टोकता। केवल पांडे की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की ही भांति सहानुभूति उसके प्रति रखती। कभी कभी किशनराम कृतज्ञ भाव में कह भी देता कि बड़ी बहुरानी जी की तो देह ही देह गई है, आत्मा छोटी बहुरानी में समा गई। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता। महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे हुए रहते हैं ना? आपके चरणों का सेवक ठहरा, दो चार मंत्र मेरे अपवित्र कानों में पड़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छंट जाए। क्या करूं गुसाई, घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला पशु किशनराम ही हो गया। आपका जन्म जन्मांतरों का सेवक हुआ मैं गुसाई जीव। दो चार मंत्र ऐसे मार दीजिए इस शरणागत किशनराम के फुटे कपाल में भी की से आगे क्या, इसे सिर्फ उसकी आंखों में ही पढ़ा जा सके तो पढ़ा जा सके। तुरंत बात बदलता पूछने लगा, महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है? 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेतात्मा योनि भी होती है। यह जानने के बाद से किशनराम और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देहमात्र की इच्छा से प्रेत्योनि मिल सकती है। जब यजमानी में नहीं जाना होता, पांडे जी खेतों में चले जाते। उन्हें इस बात का बोध था कि जब चंद्रा बहुरानी खेत में होती है, किशनराम एकदम दत्तचित्त होकर काम करता रहता है, मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती फाकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। उसकी बेतुकी बातों से अब अनुभव करने पर भी पांडे जी किशनराम के प्रति कठोर नहीं हो पाते थे। जैसी बहकी बहकी बातें वह इन दिनों करने लगा था, यही भासित होता दिखता कि निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा है। आंखें इतनी धंस गई थी अंदर की, मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछली जैसी कोई चीज उनमें चमकती मालूम थी। और पांडे जी को लगने लगा कि यह उसकी आसन्न मृत्यु का पूर्वाभास है क्या? औरत संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है, और वे रात रात भर मशाले हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजते कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं टोले बनकर, ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। यह भी कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत्योनी में ज्यादा नहीं जाते, औरत संतति से वंचित रहने पर भी उसका कारण यह कि उनकी सद्गति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। यह सब जानने के बाद से किशनराम निरंतर उनसे सद्गति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत्योनी में भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया चली जाए तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है। कई बार के पूछने पर किशनराम कुछ खुला था, महाराज, आप तो मेरे ईष्ट देवता श्रीखे हैं, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमजोर हो चला, समय से खा नहीं पाता, वातपित्त बढ़ गया, ठीक से आंख भी नहीं लग पाती और समय पर नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब रही नहीं गुसाई जीव। और जब जब भूख से पेट जलता है,
जब जब खांसी और चड़क से देह टूटने को हो आती है और इधर उधर झांकने पर सिर्फ अपनी ही दुर्गंध, अपनी ही प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है, तो पापी चित्त बस में नहीं रहता। गुसाई जीव, जिसे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय न जाने कैसी भयंकर और पलीत गालियां बकने लग जाता है। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सी धिक्कारती रहती है। किसनराम, धिक्कार है रे तुझ डोम को, अब मरते समय पिशाच क्यों बन रहा है। अब मसान घाट की तरफ जाते समय अपनी घरवाली को रान पातर मत कह रे कसाई, मगर ये दो ठंड उंगलियां चरस भरी बीड़ी जैसी सुलगती मेरे कपाल को दागती रहती हैं कि अरे पात्रा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती। गुसाई जीव, कहीं मैं प्रेत बन गया तो? किसनराम, भवानी को तू भूला नहीं है रे, जैसी दगा वह कर गई तेरे साथ, किसी और के साथ करती तो वह थू थू थूकता और दूसरी ले आता, मगर तेरी मोह तो घटा नहीं, विषाद चाहे जितना बढ़ा हो। तेरी गालियां प्रेत पिशाच की नहीं, दुखी मनुष्य की है। गुसाई जीव, डालपात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर जाता है, मगर जड़ से उखड़ा क्या करे। जब तक हाथ पांव चलते रहे, टैम से पेट को आग बुझाना, टैम से मैंगले कपड़े धोना इसीलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा, भवानी के लिए गाली निकलेगी मुंह से। महाराज, आपने तो उसे पुरपुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ते खुद ही देखा था। उस तितली जैसी चक्कर काटती की गवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत ले आता तो लगता आगे पीछे झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कहते होंगे इस किसुनवा डोम की मति वृद्धावस्था में चौपट हो गई, मगर मैंने उस पुरपुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा, गुसाई जीव, कि दिखना ही बंद हो जाए। मैं कपाल में हाथ लगाए अगाश हेरता रहूं, वह दुपहरी का तारा हो जाए। पांडे जी को लगा था इसकी धूमी हुई सी आंखों में जो तालाब में की मछली जैसी चमकती है, वह और कुछ नहीं, यह तो अपने ही ठहरे जल में खुद तप का किसनराम ही डूबा पड़ा है। जब वह बीड़ी का जलता ठंड हथेली में घिस लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकलता और शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता था कि महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध को जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है ना? अभी कुछ ही दिन पहले उसने कहा था, महाराज आजकल जो तड़फ रहा है इसीलिए कि म्लेच्छ योनि को पहले ही ठहरा, ऊपर से यह संसारी कुटिल चित्त की हाय हाय, गरुड़ पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन। कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता है गुसाई जीव, कि कोई आकाश में उड़ता गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझे करके मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, अपने तारंतरण की उतनी चिंता नहीं, इसी ध्यान से डरता हूँ कि कहीं प्रेत्योनी में गया तो उसे न लग जाऊं। हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा महाराज, उसके लड़के गर्म चिमटों से दाग देते हैं उसे, वह 90 साल की बुढ़िया रोती बिलबिलाती है, कहीं भवानी के लड़के भी उसे ऐसे ही ना दागे जिसे जीते जी अपना सारा हक हुकम होते भी कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे रे किसनराम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी आए वहीं बैठने दे, उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूंगा। अच्छा गुसाई जीव, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुड़ पक्षी को दान कर दे तो वह प्रत्योनी में भी अंधा ही रहता है या नहीं? पांडे जी अनुभव कर रहे थे ज्यों ज्यों किसनराम मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती उसे एक ऐसे विभ्रम की ओर ले जा रही है, जहाँ मन के बवंडरों के प्रतिरोध की क्षमता न देह में रह जाए न बुद्धि में। वे डरने लगे थे कभी अपनी अंधभावुकता में किसनराम सचमुच न आंखें निकाल बैठे, उसकी भैंसी आंखों में झांकने पर उनको लगता
किसनराम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांधकर नीचे की ओर गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंसकर छटपटाती हैं। बार बार वह अपना ही यह मायाजाल अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है और तब उसकी आंखों के आसपास की झुर्रियां ऐसे आपस में सिमट आती है कि लगता है जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा पानी निचुड़ रहा है। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता होगा, जिन्हें दूसरे तक न सह सकें। उस निरे अशिक्षित और अबोध किसनराम की आंखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी पड़ी मछली की सी चमक, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता। उन्हें लगता, बिना अपनी प्रश्नाकुल आंखों के लिए तृप्ति पाए यह किसनराम उन्हें छोड़ेगा नहीं, न जीते जी न उपरांत। उन्होंने किसनराम से कहना शुरू कर दिया, शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोत्तर स्थिति में अवश्य ही स्वर्गवासी हो जाता है। किसनराम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते, किसनराम तू तो एकदम निश्चल निर्वैर मनुष्य है, तुझ जैसे सात्विक लोग प्रत्योनी में नहीं जा सकते। मगर इससे किसनराम के प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह जैसे चट्टान में से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसके अस्तित्व में इकट्ठा होती जा रही थी। और पांडे जी को लगता था किसनराम की यह बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी मुक्ति सचमुच कठिन होगी। उसे यदि नदी में बहा भी दिया गया तो अपनी ही अर्थी के बास के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी विक्षुब्ध आत्मा सतह पर उतरकर ऊर्ध्वमुख हो आएगी। किसनराम की आंखों में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी है और आंखों के रास्ते जिनके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुयाल के किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसी लग रहा था कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और तेरही का पीपल छुआकर पांडे जी वहीं से वापस लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जोतिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो गतक्रिया के दिनों ले चुके थे, आज सिर्फ एक लोटा, एक कटोरा, एक चम्मच और एक थाली। किसनराम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले गए हों, और संभव है अपनी ही नियत के कारण मरे किसनराम के नाम पर कोई बर्तन न लगाएं। पांडे जी को याद आया चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा खेत में ले जाती थी, उसे किसनराम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वह दाई हथेली ओठों से लगाकर गटागट पीता था। तब भी कैसी जन्मजन मांतरों की सी मालूम देती थी उसकी प्यास, पानी गटकने की आवाज कैसे साफ सुनाई पड़ती थी, गले की घुंडी एकाएक कैसे लय में डूबत सी प्रकट होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किसनराम पीछे पीछे चलता हुआ उनकी पीठ पर बंधे लोटे को अपने ओंठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पाव एकदम भारी भारी हो आए। उन्हें याद आया यजमान के मरने से पहले यूं ही तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किसनराम को यह आश्वासन दे दिया था कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण कर देंगे और तब किसनराम कुछ आश्वस्त हो गया था, महाराज आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझ अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा। मगर कहीं ऐसा तो नहीं गुसाई जीव कि उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई दंड भुगतना पड़े मुझे। पांडे जी भी जानते थे किसनराम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय ही यही रह गया था। उन्होंने कह दिया जाति तो रिट्टी की होती है किसनराम, मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है और आत्मा तो अछूत होती नहीं।
मगर इस समय इन सारे तर्कों में जाने का अवसर है कहाँ? चित्त इसी दुविधा में हो गया है कि कहीं किसनराम मर गया हो तो क्या वो अपना वचन पूरा कर सकेंगे? मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे हैं, और चाहे जो मरा हो, किसनराम न मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो के हो मरने की आशंका ज्यादा थी, एक किसनराम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। केवल पांडे एक क्षण को तो संकोच में हुए कि यह किसनराम की सौतेली माँ के प्रति पूर्वग्रह करना तो न होगा कि किसनराम की जगह उसका भर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से ऊपर गए को तो विदा होना ही है, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते श्मशान तक आ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष थी। मुर्दा फूकने वाले जा चुके थे, श्मशान सूना पड़ा था। नदी के बहने की आवाज के साथ सन्नाटा भी बोलता मालूम पड़ता था, जैसे कि किसी के जा चुके होने का वृत्तांत सुनाता हो। पांडे बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना अछूत समझते, भावना में नहीं। पिता और माँ से भी उन्होंने संवेदना और उदारता ही पाई, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता, उतना भावना जगत का अवसर नहीं था। इस एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्हें एक सहनसी जरूर हो आई। किसनराम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ती गई थी, मगर दूर से पूछ लेने में जो सुविधा समझी थी, अब वह भी नहीं रही। जानना चाहते थे किसनराम ही था या उसकी सौतेली माँ थी या आकस्मिक रूप से मरा कोई और, मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव है पूर्णदाह कर दिया गया हो, यह भी संभव है कि अधजला शव बहा दिया हो, लेकिन पूछे किससे? नदी से कि अरण्य से? आरपार तक सिर्फ घाटी के अंगवस्त्र फैले पड़े हैं। जिज्ञासा के तेज प्रवाह में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गए। अजीब मनस्थिति हो गई उनकी, आशंका पावों को पीछे लौटा लेना चाहती कि कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई व्यक्ति श्मशान टटोलते देखेगा उन्हें तो न जाने क्या समझे। एक अछूत के शवदाह के बाद वो वहाँ आखिर खोज क्या रहे हैं? मगर जिज्ञासा जैसे भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती कि कहीं कोई ऐसा अवशेष यानी किसनराम की सौतेली माँ का घाघरा पिछोरा ही दिख जाए, जिससे आभास हो कि कोई औरत ही मरी है और शंका टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पांव से लिपट गया और पांडे चौंक कर पीछे हट गए। देखा बिल्कुल किसनराम की सी काली दोकलिया टोपी है, जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेते में वह लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती, इसमें और किसनराम के सिर में कोई अंतर नहीं। इस टोपी को किसनराम के सिर के बिना जरूर देख रहे हैं, लेकिन किसनराम का सिर तो इस टोपी के बिना कभी देखा नहीं। किसनराम, ओम विष्णुर, केवल पांडे को लगा तसले की तरह फैली हुई उस टोपी के पास ही किसनराम का प्रेत भी उपस्थित है और याचनाभरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम! दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो आई। अब तक अंधेरे में के सांप की तरह डोलती आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए, जैसे घटना का घटित हो चुकना सारे भ्रमों से निर्भ्रांत कर गया हो। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौटकर फिर आगे निकल आए गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए। थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे किनारे ही चलना था, मगर श्मशान भूमि से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगे। लगा किसनराम पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा किसनराम अपने अंतिम क्षणों में? सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद भरते समय किसी से कह भी गया हो कि पांडे जी को इस बात की याद दिला दी जाए कि किसनराम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्होंने। उन्हें याद है
अंतिम कुछ दिनों अपनी मुक्ति की जो आश्वस्त किशनराम की आंखों में आ गई थी वह कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान में हो गए होने की प्रतिछाया उसके बोलने, सुनने, खाने, पीने और चलने फिरने तक में झलकने लगी थी। अब वह आत्म पीड़ित नहीं, प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मध्यम लय सी आ गई थी। केवल पांडे का यह कहना कि एकांत में ही वो शास्त्रोक्त विधि से उसका तर्पण कर देंगे, सुनकर वह विरागियों की सी सौम्यता में खो गया था। अब कहीं ऐसा न हो उसकी मरणोत्तरात्मा यही फिर खोजती रही हो कि पांडे उसको तर्पण करते भी हैं या नहीं। केवल पांडे जोंजो आगे बढ़ते जाते लगता था किशनराम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम अतमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है। जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं। यहाँ इस सुयाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वह ईश्वर साक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य मनुष्य सब एक है। न कोई डोम है, न कोई ठाकुर ब्राह्मण, मगर श्मशान के समीप ही तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों से घूरेगा जरूर। और कहीं यह अफवाह न फैला दे कि पैसे के लोभी ब्राह्मण अब चोरी चोरी शूद्रों का पौरोहित्य भी करने लगे। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुयाल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बने और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलते में लोटा एकाएक दैव प्रेरित सा बाहर को लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भर आया। थोड़ी देर तक वो किशनराम के साथ बीते बाल्यावस्था के क्षणों की स्मृति में डूबे ही रह गए। आखिर धीरे से जल भरकर उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में बेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न ग्रहण कर ले। चिंताना में उदार होते होते पांडे यह भी भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली गिलास और कटोरी भी उन्होंने निकाल लिया, थाली में जोतिल डाल लिए, थोड़े से कुछ भी बीन लाए। सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशनराम प्रेत प्रेतार्थ कहते कहते उनका मन हो आया पीछे लौटकर श्मशान के पास पड़ी किशनराम की टोपी उठा लाएं और उसी में ज्योतिल छोड़ दे, विष्णु विष्णु। किशनराम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए तो केवल पांडे को एकाएक याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा अशुद्ध हो गए हैं। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर अंगुलियां फिराई तो वातावरण में सुरती तोड़ने की जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे यो चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घरवालों से कहे सुने उन्हें पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए, स्वर्गस्थ पितर के प्रति यह छल अनिष्ट कर ही होगा। जानते थे अछूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में प्रभुत थी। जो शास्त्र सम्मत है वही मानवीय भी है ऐसा उनका मत था और इसे निबाह भी। जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया उसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था मगर केवल पांडे बहुत थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घरवालों और बिरादरी में कैसी ही अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशनराम की प्रेत मुक्ति तो हो गई होगी लेकिन जब शूद्र तर्पण के पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है। किशनराम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः श्मशान की दिशा की ओर आंखें उठाई। लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है और इसी अवसन्नता में कुछ देर
वहीं पगडंडी के किनारे की शिला पर बैठे ही रह गए। सौतेली माँ को फूंक कर दूसरे रास्ते से घर को वापस लौटते किशनराम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ सा उदास सड़क के किनारे बैठे देखा तो परम श्रद्धा भाव में महाराज कहते हुए दंडवत में झुका, जैसे कहीं अंतरिक्ष में से आती सी पुकार को सुनकर केवल पांडे ने चौंक कर सामने की ओर दृष्टि की तो किशनराम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहां पर बाल नहीं रह गए थे पसीने की बूंदें थी। केवल पांडे चकित से देखते ही रह गए। किशनराम दोनों हाथ दंडवत में जोड़े जमीन पर यथावत झुका ही था। जीता रहो कहने को हाथ ऊपर उठाते हुए केवल पांडे को लगा जैसे अपने को आसमान में लटके किसी प्रेत के बंधन से मुक्त कर रहे हों। स्रोत पुस्तक हिंदी कहानी संग्रह पृष्ठ 182 संपादक भीष्म साहनी रचनाकार शैलेश मटियानी प्रकाशन साहित्य अकादमी।